नमस्कार, मैं सुनील शर्मा, आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल बुक यू सीट नाउ पे। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि क्या सही में ऐसा होता है या नहीं होता है। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर पूरी डिस्कशन करने वाले हैं, कि जो मेन टॉपिक है हमारा वो है कि क्या MD MS में आपकी जो हायर प्रायोरिटी वाली ब्रांचेस होती हैं उसमें क्या जो आपकी फीस होती है क्या वो रिड्यूस होती है, नेगोशिएबल होती है, क्या कॉलेज नेगोशिएट करता है, करता भी है तो कब करता है और क्यों करता है। तो इसी के रिगार्डिंगली आज की ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। आपको पूरी डिस्कशन मिलेगी इसमें, पूरी नॉलेज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा इसमें। अगर उसमें से आप में से कोई भी एडमिशन लेना चाह रहा हो MD MS CPS FCPS या जो भी है, अगर आप अपनी काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं तो हमारी काउंसलिंग चार्ज है 20,000, वो हमको पे कर सकते हैं। हम रिगार्डिंगली उसके आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे, चाहे आप CPS FCPS की बात करें, DNB की बात करें, NBE की बात करें, MD MS की बात करें, सीट मैट्रिक्स कितनी क्या है, वो जो भी है वो सब आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमारा जो टॉपिक था कि क्या MD MS जो आपकी PG है, NEET PG की MD MS जो ब्रांचेस होती हैं उसमें क्या फीस स्ट्रक्चर आखिरी में कम होता है या फिर नेगोशिएट करता है कॉलेज की नहीं करता है। इसके रिगार्डिंगली बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी, तो मे भी कुछ लोग मिथ भी फैला रहे हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो जो भी चीज़ है वो इस वीडियो में आपकी क्लियर करूँगा आज और अभी। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हाँ, आपकी MD MS की फ़ीस जो होती है वो नेगोशिएट होती है आखिरी टाइम पे। क्यों होती है, कैसे होती है, वो जानने के लिए आप हमारी वीडियो में बने रहें। तो प्लीज़ अभी तक हमारी वीडियो अगर आपने लाइक नहीं की हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये सही में ऐसा होता है क्या, क्योंकि आपको मालूम ही होगा जो हायर क्लिनिकल ब्रांचेस हैं लाइक डर्मा, रेडियो, इनकी आपको पता ही होगा किस हिसाब की पॉपुलैरिटी होती है, कितना लोग चाहते हैं कि मुझको ये वाली डिज़ायर्ड ब्रांच मिल जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई जैसे आप हैं या हम हैं जिसको एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, बट हमारा नीट स्कोर उतना अप टू डेट नहीं है, ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है हमको हायर क्लिनिकल ब्रांच अपने बजट में तो मिलेगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो किस बजट पे मिलेगी, तो ये समझते हैं। बजट आपका क्यू कोटा होता है, क्यू या NRI कोटा, क्यू या आप मैनेजमेंट कोटा मान लीजिए और NRI कोटा। इसकी जो फीस होती है आपकी 70 लाख रुपए पर ईयर के अराउंड फीस होती है, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, जो भी है, अदर अदर कॉलेज की अपनी अपनी फीस स्ट्रक्चर है। तो इनकी ये पर ईयर की फीस होती है, हम अगर हायर ब्रांच की बात कर रहे हैं फिलहाल डर्मा और रेडियो की, ठीक है, तो अगर 80 भी है तो 2.4 अराउंड के आपका पैकेज जा रहा है NRI पे, ठीक है, उसके बाद डोनेशन वो अलग है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि होता क्या है कि जब आपकी काउंसलिंग चल रही होती है, जैसे कि अभी काउंसलिंग आपकी चल रही है, मोपक पथार राउंड की रजिस्ट्रेशन चल रहा है, कर्नाटका में अभी थर्ड राउंड होना है, जो भी चीज़ें हैं ये सब बात की चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आपकी सीट, तो देखिए प्राइवेट वाली सीट तो भर जाएंगी, क्यों, क्योंकि उनका लिमिटेड फीस रहती है, तो जाहिर सी बात है हर कॉलेज अपनी प्राइवेट सीट तो तुरंत फिल कर लेता है। बचती कौन सी हैं, बचती आपकी मैनेजमेंट कोटा वाली हैं, NRI कोटा वाली। क्यों बचती हैं, क्योंकि इनकी फीस इतनी ज़्यादा होती हैं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, समझ रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंगली तो होता क्या है कि भाई जब आपकी काउंसलिंग ख़त्म हो जाती है तो भाई वो जो सीट रहती हैं वो आपकी बैक टू इंस्टीट्यूट के पास चली जाती हैं। कॉलेज के बाद वापस जब सीट्स आ जाती हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी कॉलेज होगा अपनी खाली सीट तो रखेगा नहीं ना, तो वो क्या करता है आपकी जो आपकी ये सीट्स होती हैं NRI सीट्स होती हैं, ये वाली सीट्स होती हैं मैनेजमेंट, इसमें फिर वो अपनी फ़ीस को नेगोशिएट करके आपका एडमिशन लेता है। उस टाइम आपका नेगोशिएबल होता है जब आपकी काउंसलिंग ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हर साल का है, अगर मैं कर्नाटका की बात करूँ, राजस्थान की बात करूँ, वेस्ट बंगाल की बात करता हूँ, तो जितने भी बड़े कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें NRI है, सीट्स हैं, मैनेजमेंट सीट्स हैं, जिनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, उनका आखिरी में कम हो जाता है, फीस स्ट्रक्चर कम करके नेगोशिएट करके फिर वो एडिशन्स देते हैं अपना।
आपकी पीजी में, ठीक, पीजी की ब्रांचेस में, क्योंकि आपको भी मालूम है कर्नाटका साइड के कॉलेजेस में कितनी सीट्स अवेलेबल है हर कॉलेज में, क्योंकि NRI भी है, मैनेजमेंट भी है, प्राइवेट भी है, सब कुछ है, इतनी सारी ब्रांचेस हैं, तो सब में अब सीट्स फुल होना मुश्किल है ना। अब जिसकी फ़ीस ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कैसे अपना कोई भी कॉलेज रहेगा कि भाई नहीं चाहिए हमको, हम सस्ते में करवा देंगे, समझ रहे हैं। तब उसमें नेगोशिएट होता है, तब आपका एडमिशन होता है, अगर उस टाइम आप एडमिशन लेना चाहते हैं। एडमिशन क्या, मैं आपको पहले ये बता दूं, जैसे अगर 70 लाख भी है तो 10-15 लाख कम हो जाता है आपका, समझ रहे हैं। 10-15 लाख नेगोशिएट होता है, आपको कॉलेज वाला करके देता है, कौन सा कॉलेज है, कहाँ पर कॉलेज है, क्या फीस स्ट्रक्चर जाएगी और कितना नेगोशिएट हो जाएगा। अगर ये आपको जाननी तो आपको पेड काउंसलिंग हमसे करवानी पड़ेगी, 20,000 हमारा सर्विस चार्ज है। आप प्लीज़ हमको कॉल करके वैसे परेशान ना करें, आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे, या फिर अगर आप सही में इंटरेस्टेड तो मैं आप बताइए, मेरे को व्हाट्सअप करिए, मैं अपनी डिटेल शेयर कर रहा हूँ, आप अमाउंट ट्रांसफ़र करिए, काउंसलिंग फीस सबमिट करिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये कॉलेजेस हैं आपके, इसमें इतनी इतनी सीट्स रहती हैं और हर साल इतनी इतनी वैकेंट रह जाती हैं और इस रेंज में आपको मिल जाते हैं सीट्स, ठीक है। तो ये रही आपकी पूरी बात की, नेगोशिएट कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस डिजायर्ड ब्रांच में या उस डिजायर्ड कॉलेज में जो आपकी जो मैंने नेगोशिएट करके जो फीस आती है, तो उसके लिए जो भी है फर्दर प्रोसेस रहेगा, वो जो आप काउंसलिंग फीस सबमिट करेंगे उसी में हम आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे, हम आपका उसमें भी आपका करवा देंगे। उसमें जो सर्विस चार्ज रहेगा वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जब आपका जो प्रोसेस रहेगा पूरा वो सब हम करवा देंगे, ठीक है। आपका एडमिशन प्रोवाइड कराने में पूरी मदद करवाएंगे, ठीक है। जो कोई भी एडमिशन लेना चाहता है नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, हम अपनी डिटेल शेयर कर दे रहे हैं, आप पेड काउंसलिंग लीजिए और अपनी जो भी जानकारी लेनी है सारी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, अगर बजट आपका ठीक है, ठीक है, बजट अच्छा है, ठीक है, तो सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपकी सारे डाउट्स जो हैं नेगोशिएबल वाले, फीस नेगोशिएबल वाले, मैंने आपके पूरे कर दिए होंगे क्लियर। अगर कुछ रह भी गया हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ठीक है, तो हम आपको उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई वीडियो बनाने लायक होगी तो ज़रूर हम बना के आप तक लेके आएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस मैं अलविदा लेना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।